नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से बोर हो रही थी तब यूट्यूब की दुनिया में एक अलग ही जंग छिड़ी थी। यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है #ShaveShwetabGangwar। इस हैशटैग से यूट्यूब पर करीब 2000 यूट्यूब चैनलों ने 2800 से ज़्यादा वीडियो बना डाले हैं। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि यूट्यूब की दुनिया के तीन देश यानी तीन चैनल आपस में भिड़ गए हैं। इनमें से कुछ के नाम तो आप जानते होंगे, कुछ नए हो सकते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में संदीप माहेश्वरी, श्वेताब गंगवार और प्रखर गुप्ता शामिल हैं। तो आइए जानते हैं क्या है श्वेताब गंगवार। उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके। देखो छोटा भाई है भाई मेरा, ये भाई हाँ, अब ये रिश्ता बन गया है, तुम्हें पता नहीं है। जेन्युइनली मैं फील करता हूं भाई, तुम छोटे भाई हो यार। क्योंकि अगर मेरे वीडियो क्वालिफाई करता है डेफिमेशन केस का 2 करोड़ का, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है यूट्यूब कम्युनिटी का। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट होगा फिर कल जिसको भी लगेगा उसके पास एक ऑप्शन है। इस कॉन्ट्रोवर्सी में 4 यूट्यूबर्स इन्वॉल्व है। पहले संदीप माहेश्वरी, जिनको तुम सब जानते हो, ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है और इनके यूट्यूब में 24.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। दूसरे हैं श्वेताब गंगवार, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाते हैं। इनके वीडियो जो है बहुत ज्यादा रॉ रहते हैं, लोग इनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और इन्हें भी यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। तीसरे हैं पीपॉय एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रखर के प्रवचन, जो कि अगेन इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इनका कंटेंट भी सिमिलर है काइंड ऑफ श्वेताब या फिर संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। यूट्यूब पर उनके 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 26 अप्रैल को अपने एक वीडियो में वो ऑडियंस के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान संदीप कहते हैं कि इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में भिड़ते हैं, या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है इस दुनिया में और बाकी सब झूठ है। तो एक कंसेप्ट है जो कहता है कि दुनिया में एक ही भगवान है, जो इसे मानते हैं वो अपने हैं, जो नहीं मानते वो पराए हैं। संदीप के इस वीडियो पर एक और यूट्यूबर श्वेताब गंगवार ने रिएक्शन वीडियो किया। 28 अप्रैल को रिएक्शन वीडियो का मतलब कि संदीप की वीडियो को प्ले कर श्वेताब उस पर साथ में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसी दौरान श्वेताब संदीप की अपनी और पराए वाली बात पर कहते हैं, भाई अभी काफिर कहने वाले थे। दरअसल संदीप के कमेंट को श्वेताब सांप्रदायिक बता रहे थे। इसके बाद संदीप माहेश्वरी यूट्यूब कम्युनिटी पर श्वेताब के लिए पोस्ट लिखते हैं। संदीप कहते हैं कि उनकी बातों का संदर्भ वैसा नहीं था जैसा श्वेताब बता रहे हैं। इसके बाद बताया जाता है कि श्वेताब और संदीप के बीच बातचीत हो जाती है और श्वेताब संदीप की वीडियो पर बनाए अपने रिएक्शन वीडियो को डिलीट कर देते हैं और ये विवाद यहीं ख़त्म हो जा रहा है। फिर एंट्री होती है प्रखर गुप्ता की। श्वेताब ने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन इसी डिलीटेड वीडियो पर प्रखर एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। 4 मई को इस वीडियो पर वैसे तो प्रखर किसी को भरा भला नहीं कहते, लेकिन वीडियो वायरल हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि इसी रात श्वेताब की तरफ से प्रखर को कोई मैसेज जाते हैं कि संदीप माहेश्वरी चाहते हैं कि वे अपनी वीडियो को डिलीट कर दें। पहले तो खैर प्रखर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद 5 मई को संदीप माहेश्वरी कम्युनिटी पर एक पोस्ट लिखते हैं। संदीप प्रखर पर नाराज़गी जताते हैं। संदीप की पोस्ट के बाद उसी दिन प्रखर अपना वीडियो डिलीट कर देते हैं। हालांकि बाद में संदीप अपनी कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर देते हैं। इसके बाद प्रखर अगले दिन एक कम्युनिटी पोस्ट लिखते हैं। प्रखर अपने पोस्ट में सभी वीडियो के बारे में लिखते हैं और सॉरी भी लिखते हैं। प्रखर की पोस्ट के बाद संदीप एक और पोस्ट लिखते हैं, लेकिन संदीप की नाराज़गी अभी भी बनी रहती है। संदीप 10 मई को एक और कम्युनिटी पोस्ट लिखते हैं और संदीप नाराज़गी जताते हैं। हालांकि बाद में वो ये वाली पोस्ट भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद 12 मई को संदीप फिर एक कम्युनिटी पोस्ट लिखते हैं और बाद में इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसी बीच एक और यूट्यूबर इस लड़ाई में कूद पड़ता है, उसका नाम है पीपॉय। अब इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी की तरफ से कमेंट किया गया। प्रखर खुलकर आते हैं। प्रखर ने इस बार एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया इस पूरी कंट्रोवर्सी और संदीप माहेश्वरी पर। प्रखर ने अपना पक्ष रखा और संदीप माहेश्वरी को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रखर के इस वीडियो को अच्छी रीच मिली, अच्छे व्यू भी आए और एक बैटल शुरू हो गई, संदीप माहेश्वरी वर्सेस प्रखर गुप्ता। इस विवाद के बीच प्रखर अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं कि जिसमें वो भारत का झंडा ओढ़े हुए दिखते हैं और साथ में कथित तौर पर शैंपेन पी रहे होते हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस वीडियो के आधार पर संदीप माहेश्वरी प्रखर को एक लीगल नोटिस भेजते हैं, लेकिन इस संदीप माहेश्वरी वर्सेस प्रखर गुप्ता के बीच एक बार फिर से श्वेताब की एंट्री होती है। श्वेताब ने एक नया वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखर ने उनकी और अपनी प्राइवेट चैट को उनकी बिना परमिशन के अपने वीडियो में इस्तेमाल किया है। इसके बाद इन तीनों यूट्यूबर्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए वीडियो बनाए।
मोटामोटी देखेंगे तो संदीप और श्वेता प्रखर पर आरोप लगा रहे हैं और प्रखर इन दोनों को टारगेट कर रहे हैं और फिर आखिर में प्रखर ठोक देते हैं 2 करोड़ रुपए का मानहानि दावा। प्रखर ये केस संदीप, श्वेता और पीपॉय के खिलाफ करते हैं। इसके बाद संदीप का एक और भावुक पोस्ट सामने आता है। वो कहते हैं कि प्रखर की तरफ से उन्हें गालियाँ दी गईं, उनकी माँ और परिवार दुखी हैं। संदीप कहते हैं कि वो इस पूरे विवाद के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि माँ कह रही है कि उनके खिलाफ कभी किसी ने बुरा नहीं कहा, तो ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं और माफ़ी मांगते हैं। इधर एक और चीज़ चल रही होती है, श्वेता के समर्थन में लोग जुटने लगते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले श्वेता ने एक वीडियो में बताया था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसी बात को लेकर जब प्रखर ने उन पर केस किया तो उनके समर्थन में लोग जुटने लगे और हैशटैग शेव श्वेता गंगवार यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। इसी बीच संदीप और एक माफ़ी मांगने वाले पोस्ट करते हैं। संदीप माहेश्वरी ने कहा कि इस पूरे विवाद से प्रखर को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं, और जितनी प्रखर की रीच है उस हिसाब से क्या 2 करोड़ रुपए का जस्टिफाई कर पाएंगे। संदीप कहते हैं कि वो इस पूरे विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, ना वो कुछ कहेंगे ना प्रखर कुछ कहे। उनका कहना है कि प्रखर को भी अपनी वीडियोज़ हटा लेनी चाहिए और हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। श्वेता कहते हैं कि उन्होंने तो प्रखर को अपना भाई माना था। वो कहते हैं कि जब प्रखर के पास सिर्फ 500 फॉलोअर्स थे तब उन्होंने प्रखर के लिए रिएक्शन वीडियो किया था, जिसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिला होगा। श्वेता कहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के बावजूद प्रखर ने उन पर 2 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। प्रखर कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी माफ़ी मांगते हुए भी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो एक तरह से धमकी भरे लहजे में ही बात कर रहे हैं। प्रखर कहते हैं कि उन्होंने तो अपना वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन संदीप ने जानबूझकर उनके खिलाफ हेट्रेड यानी नफरत फैलाने की कोशिश की है। इन दोनों की कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।